अस्सलामुअलैकुम गाइस, सत श्री अकाल एंड नमस्ते जी। मैं अमर जाट आप लोगों के साथ आज फिर से नई और चटपटी सी बातें लेकर मौजूद हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं इधर किधर देख रहा हूँ। इधर ना ऐसे सामान लोग बाहर रख देते हैं, कुछ सामान होता है नया, कुछ होता है पुराना, जो लोगों को ज़रूरत नहीं होती। लोग घर चेंज करते हैं या नए घर में शिफ्ट होते हैं तो अपना जो सामान है वो जो पुराना या नया होता है वो यहाँ इस तरह रख देते हैं साइड पे, और जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। पर आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं लेकर जाता हूँ? नहीं, मैंने खुद से अपने पैसों से हर सामान ज़ीरो मीटर ख़रीदा हुआ है। मेरे घर पहले फुल पड़ा हुआ और मुझे जगह की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रहा था क्योंकि कुछ दोस्त है जिनको ज़रूरत होती है, मैं उनको बता दूँ ताकि वो यहाँ से आकर ले जाए। नॉर्मली मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। या और मैंने जो ट्रेन पकड़नी थी वो ट्रेन तो गई निकल, अभी मुझे दोबारा जो है वेट करना पड़ेगा। मैं जो है आए यार ये हो गया, उन मैनू वेट करना पड़ना थोड़ा, मेरी नई ट्रेन आऊँगी। लेकिन खैर ट्रेन तो फिर आ जूगी, बस जो गया भी मैं निकल ली कोई उसको अलावा। यार अभी मैं जाऊंगा स्टेशन पे इधर बानाव पे, और वहाँ से जाके थोड़ा वहाँ पे घूमूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, क्योंकि घर पे बैठ बैठ के बोर हो गया था। और मैं देखूँ बस कौन से आने वाली है, तो पहले मैं बस का देख लूँ, उसके बाद जो है मैं ऊपर जाऊंगा। अभी नेक्स्ट जो बस है वो आने वाली है, ये जानी है 690 तक जो है वो 7 बजे आने, 7 मिनट तक आनी है। तो पहले मैं जाऊँ ऊपर, ऊपर जाकर देखता हूँ कि ऊपर कितने बजे तक आनी है, उसके बाद जो है फिर मैं अगर लेट हुई तो फिर मैं नीचे आ जाऊँगा, अदरवाइज़ ऊपर ही वेट करूँगा अपनी ट्रेन का। ट्रेन पकड़ के सीधा मैं स्टेशन पे चला जाऊँगा। सो ये जो वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने हर ब्लॉग के अंदर कि कहीं ना कहीं जा ही रहा होता है, कहीं से आ रहा होता है, कहीं पर जा रहा होता है, क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में है ही ट्रैवल, कभी तो काम का ट्रैवल ही इनके काम पर आना जाना, कभी कहीं किसी दूसरे कंट्री में आना जाना, कभी दूसरे सिटी में आना जाना, ये मेरा लगा ही रहता है। और मैं घूमने फिरने में वैसे ही बड़ा मस्त खुश रहता हूँ भाई। ज़िंदगी एक बार है, इसको जी लो खुल के, घूम फिर के, खा पी के, पैसा कमा। तो इतना पैसा क्यों कमाया जाता है, किस लिए? अपनी ज़िंदगी को भी टाइम दो, दूसरों के लिए पैसा कमाते हो? नो, हम पैसा कमाते हैं अपने लिए, खुद की लाइफ को इंजॉय करने के लिए, क्योंकि हमारी एक ही ज़िंदगी। ठीक है, जो बच्चे आएंगे वो अपना करेंगे, अपने अपना आएंगे, उनको पालो पोसो बड़ा करो, लेकिन जब वो इन चीज़ों के काबिल हो जाएं, काबिल मतलब 18 के बाद, उनको बोलो भाई अपना कमाओ और अपना खाओ, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो, छोड़ दो हमें आज़ाद। तुम लोगों को इस दुनिया में ले आए, एहसान है, एहसान समझो हमारा तुम लोगों को इस दुनिया में ले आए। और अगर कहते हैं ना ले कर आते तो देर मारो उधर मुँह तो चपेट। एक तो तू इस दुनिया तो तेरे एहसान की तेन लिया के, दूजा तू अगू गला करता, दौड़ जा, तू निकल जा, तू दवा दो जाके कमा तो खा अपना। जो यही ज़िंदगी है, जी लो जितना जी सकते हो, पैसा कमाओ, अपने पे लगाओ, शॉपिंग करो, घूमो फिरो, दुनिया देखो। और मेरे पास मेरे पीछे जो ट्रेन है ये मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुँचने देती। सो मैं तो हूँ जाऊँगा, थोड़ा उधर घूमूंगा फिरूंगा और अपना जो है खाऊंगा पीऊंगा, और फिर दोबारा मैं घर आऊँगा थोड़ी देर तक, क्योंकि घर पे बैठ बैठ के ना मैं सुबह से मैं बोर हो गया था। तो अभी मैं निकला, मैंने सोचा साथ में व्लॉग भी बन जाएगा और साथ में मैं थोड़ा बाहर भी निकल के अपना फ्रेश हवा के साथ फ्रेश भी हो जाऊँगा। और मेरे सर में भी हल्का हल्का सा पेन सा शुरू हुआ था घर पे बैठ बैठ के, वो पता है घर पे बैठे तो एक अजीब सी वो फीलिंग और अजीब से वो ख्यालात, और घर पे अकेला, नो वे, इज़ अ वेरी मुश्किल। इतना भी मुश्किल नहीं है क्योंकि रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी विद माय अलोनपन। तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। ये देखिए गाइस कितना ज़बरदस्त इन्होंने बनाया है ये। गाइस मैं गया तो था बस थोड़ा घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पर मुझे मिला कुछ ड्राई फ्रूट, मैं वो ले आया और साथ में मैंने लिए बनाना यानी कि केले। आज मैं करूँगा अपना पूरा प्रोटीन का सिस्टम जो था वो करूँगा मैं पूरा, और उसके बाद करूँगा मैं एक्सरसाइज या
अपनी एक्सरसाइज के लिए मुझे अब बहुत सारा जो है वो करना पड़ता है, और आज मेरा पार्सल भी जो है वो भी आ चुका है। यानी कि मैंने जो डिमर जो थे, यानी कि 10 किलो वाले जो मैंने ऑर्डर किए थे, वो पहुंच तो गए लेकिन घर पे नहीं पहुंचे। बीच रास्ते में कोई शायद कोई आउटलैंडर था, आउटलैंडर पता है बहुत सारों को डॉयच नहीं आती, तो वो शायद ड्रेस समझने में उसको प्रॉब्लम हुई, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हुई, कहाँ प्रॉब्लम हुई, वो मेरा पार्सल वापस ले गया और कहने लगा आपने जो ड्रेस दिया है वो गलत है। जबकि पहले भी मैं वहाँ से ऑर्डर करता हूँ अमेज़ोन से, और मेरे पार्सल डायरेक्ट घर पहुँच जाए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पार्सल मेरे घर तक नहीं पहुँचा। लेकिन दोबारा एक ईमेल लिखा है और साथ में फ़ोन नंबर दिया है कि हमसे रबता करें और मेरा सामान जो है मेरे घर तक पहुँचाएँ। फ़िलहाल देखिए अभी मैं जो है अपने स्टॉप पे वापस आ गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, और घर जाके तो अभी मैं करूँगा अपनी फिटनेस का थोड़ा सा खाने पीने का, तो खाने पीने के बाद जो है वो मैं अपनी करूँगा फिटनेस स्टार्ट। तो देखते हैं, फिर साथ में लाइव जाता हूँ, लाइव ऑन टिकटॉक। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जबकि मैं ये सारा सामान जो है पहले मैं घर जाके इसका छोटा सा एक व्लॉग बनाऊँ मैंने क्या क्या सामान लिया है, यानी कि मैं इसी व्लॉग के अंदर जो है इसी वीडियो के अंदर मैं मेंशन करूँगा ये जो चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, और साथ में आप लोगों को भी बताऊँगा और दिखाऊँगा भी। तो बाकी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो हाज़िर होते हैं। तो लो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अभी अपने घर पे, और मैं अभी अपना सामान सारा बाहर निकाल चुका हूं, दिखाता हूं आपको अपना सामान। तो ये मैं लेकर आया हूं सारे काजू बादाम पिस्ता, इसमें सूरजमुखिया और पता नहीं क्या क्या है, सब मैंने चीज़ें इसमें ली हैं। ये सारे डिफरेंट जो है ड्राई फ्रूट मैंने सब लिए है, और इसके साथ मैंने लिए है केले, जो कि नॉर्मल सबको खाने पड़ते हैं साथ साथ। अभी मैं जो है थोड़ी ही देर में अपना बनाऊंगा जूस, और जूस बना के यानी कि दूध में साथ डालूंगा इन सबको तो नहीं डालूंगा, बस कुछ डालूंगा, थोड़े थोड़े करके जो है सारे डालूंगा, और उसके बनाऊंगा अंदर डालूंगा प्रोटीन, और फिर मैं प्रोटीन जो है वो पीऊंगा और अपने फिटनेस का प्रबंध करूंगा। और आफ्टर ये सब जो है मैं अपनी फिटनेस जो है स्टार्ट करूंगा पीने के बाद, क्योंकि अभी मुझे कुछ खाना भी है थोड़ा सा, पहले मैं कुछ खा पी लूँ और उसके बाद जाके फिर थोड़ा सा जो है लाइव पे बातें शादी करके साथ में लाइव पे बैठ के ही सब चीज़ें होगी, और सबको मैं जो है लाइव पे ही सब कुछ, एक्सरसाइज भी मेरी लाइव पे ही चलती रहती है और मेरे बाकी चीज़ें भी लाइव पे चलती रहती हैं, ये सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। बाकी मिलते हैं एक फिर छोटे से लंबे से ब्रेक के बाद। तो जैसे हम जूस बनाते हैं तो आप लोगों को मैं साथ में लेता हूँ, और फिर हम मिलकर जूस बनाते हैं। जूस कैसे बनाना और क्या क्या उसमें डालना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए आइए, अब पहले करेंगे हम कपड़े चेंज और उसके बाद बनाएंगे हम जूस, सही है? तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक गाइस, आप जो है मैं रेडी हूँ अपना प्रोटीन तैयार करने के लिए। तो हाँ करेंगे अब अपना प्रोटीन तैयार। प्रोटीन मेरा कौन सा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है मेरा प्रोटीन, इसका नाम है ISO, जो कि बहुत फेमस और बहुत अच्छा है, जिसको दुनिया ख़रीदने के लिए बहुत वो करती है, स्ट्रगल करती है, लेकिन इजी नहीं मिलता और ओरिजिनल नहीं मिलता। जर्मनी में बहुत ईजीली मिल जाता है और ओरिजिनल मिल जाता है, और आप लोगों की निस्बत बहुत सस्ता भी मिल जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं, लेकिन हम शुरुआत करेंगे अपना सौंफ से। ये है हमारी सौंफ, हम पहले डालेंगे इसमें सौंफ थोड़ी सी, उसके बाद हम लेंगे सूरजमुखिया, ये सूरजमुखिया जिसको बोलते हैं आप लोग, इसको हम हल्की सी मकदार में निकालेंगे, इसको भी डालेंगे अंदर। और ये है शहद वाले बादाम, इनके साथ शहद होता है, मीठे बादाम होते हैं ये, हम ये भी कोई 7-8 जो है वो भी निकाल के इसके अंदर डालेंगे एक अपने मज़े बड़े। ये नॉर्मल बादाम है, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ये भी हम 6-7 डालेंगे।
ये है काजू, ये काजू भी हम इसमें 6-7 डालेंगे। ये हम डाले काजू, और इसमें और मैं क्या लिख रहा था, खुरमानी, ये रही खुरमानी, इसको बोलेंगे। ये हम जस्ट डालेंगे 1 या 2 अदद। तो खुरमानी हम लोगों ने 2 अदद इसमें डाल ली। अब हम डालेंगे खजूर, खजूर हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 अदद खजूर जो है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मेरे को मज़ा आता है इसलिए मैं थोड़ा इसको ज़्यादा करूँगा, 4 से 5 मैं इसको करूँगा, और 1 इसको ऐसे खाऊंगा। वैसे भी रमजान है, मजा। इसके बाद हम लेंगे 1 अदद केला लेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे, और फिर इसको भी इसके अंदर डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़ों के साथ, यानी कि इसको काट काट के, काटने छुरी से काटने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे डाल लो। ये हमने डाल दिया, छिलका हमने फेंक देना है, जितनी हड्डियाँ मजबूत करता है पाँव के नीचे आ जाए, हड्डियाँ उतनी तोड़ भी देता है। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा जो स्टेप है वो हम अपनी प्रोटीन निकालेंगे, प्रोटीन निकालेंगे, ये रही हमारी प्रोटीन, और प्रोटीन हम डालेंगे इसके अंदर। प्रोटीन आपने लेनी है फर्स्ट में थाटे, ये जी प्रोटीन भी हमने डाल दी इसके अंदर, इसको हम बंद करें और इसको अपनी जगह पर रखें। ये अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध, दूध डालेंगे इसके अंदर, और उसके बाद हम इसको करेंगे ग्राइंड। तो दूध हमें इतना डालना है ताकि जिसमें ये डूब जाए सारा सामान ले। इस हद तक हम इसमें दूध डाल दिया, और अब भी हम इसको करेंगे बंद, इसको करेंगे बंद, और करेंगे मशीन रेडी, मशीन की करेंगे केबल ओपन, और इसको साड़ देंगे इसके स्विच की गार्ड में, स्विच की गार्ड में हमने इसको घुसा दिया। अब हमें इसको करना है ग्रैंड, क्या करना है ग्रैंड, इसको ग्राइंड कर लेना है अपने अच्छे से, ताकि जितने भी इसमें ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और साथ में ये आपकी प्रोटीन। अब हम इसको खोलेंगे और हिलाएंगे, टप 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 टप, नम 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 नम, उसको अच्छे से जो है आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए साइड से भी इतना नहीं हुआ, लेकिन आप बाद में एंड पे अभी तो ये ग्राइंड हो चुका है, आप साथ में चम्मच लेके इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ एंड कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। मशीन को करेंगे बंद और रखेंगे इसको अपनी जगह पे। अब ये जाएंगे अपनी जगह पे, ऊपर हम उसको रखेंगे और करेंगे शुरुआत अपने पीने की। लेकिन उससे पहले हम निकालेंगे चम्मच, चम्मच बड़ा वाला चम्मच लेना है, चम्मच या इसको हम खोलेंगे, तो गाइस हमारा हो गया ये तैयार प्रोटीन। तो अभी थोड़ी देर तक हम करेंगे अपना स्टार्ट वर्कआउट, लेकिन इसको पीने के थोड़ी देर के बाद, हमें इसको पी के थोड़ी देर जो है वो क्या लगे घूमे फिरे रेस्ट करें, और उसके बाद इजी हो के उसके बाद जाके तो आप अपना जो है वर्कआउट स्टार्ट करें। तो अभी थोड़ी देर में मैं जाऊंगा टिकटॉक के ऊपर लाए, तो मेरे यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें, उसका बेल का बटन दबा दें, और उसको
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें और अपने और अपनों के साथ भी शेयर करें। होप सो आप मेरी वीडियो को एंजॉय करेंगे, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियोज़ का वेट कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल एंड नमस्ते जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।